हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर एनर्जी फर्मी लेवल, सेमीकंडक्टर मटेरियल वेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इन अ नॉन डिजनरेट बल्क सेमीकंडक्टर विथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिया है एन इक्वल टू 10^16 पर सेंटीमीटर, दैट मीन सेंटीमीटर टू द पावर -3। द वैल्यू ऑफ ई सी माइनस ई एफ एन दैट इज इक्वल टू 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स ई सी कंडक्शन बैंड माइनस फर्मी एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस दिया है वो आपको दिया है ई सी माइनस ई एफ एन दैट इज 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई सी और ई एफ एन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, कंडक्ट बॉटम डिनोट द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी, एंड ये ई एफ एन शो कर रहा है फर्मी लेवल एनर्जी, है ना। तो ये है बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड एनर्जी और ये फर्मी लेवल एनर्जी, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ई सी माइनस ई एफ एम। आपको 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अज्यूम थर्मल वोल्टेज एज 26 मिली वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स थर्मल वोल्टेज वी टी दिया है आपको 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड द इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन हम सेमीकंडक्टर में एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 10^10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर एन इक्वल टू, अभी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फॉर एन इक्वल टू 0.5 × 10^-13, सॉरी 10^16, एन इक्वल टू 0.5 × 10^16 पर सेंटीमीटर क्यूब, द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ ई सी माइनस ई एफ एन अमंग द गिवन ऑप्शन इज। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से ये वैल्यू, दैट मीन्स अभी इस एन इक्वल टू वैल्यू 0.5 × 10^6 पे क्लोजेस्ट वैल्यू फाइंड करना है ई सी माइनस ई एफ एन की। अभी आपको ये कैलकुलेट करना है, जबकि यहाँ पे आपको ई सी माइनस ई एफ एन की वैल्यू दिया है एन इक्वल टू 10^16 के लिए, ये गिवन है। उसके बाद आपको वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट दिया है यहाँ पे, थर्मल दैट इज थर्मल वोल्टेज वी टी दैट इज इक्वल टू 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है यहाँ पर 10^10। तो अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है। तो हम देख सकते हैं कि ई सी माइनस ई एफ एन दैट मीन्स ये क्या है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, और ये है फर्मी एनर्जी लेवल। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ई सी माइनस ई एफ इज इक्वल टू के टी एल एन एन सी दैट मीन्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन, और ये फॉर्मूला नंबर वन। दूसरा एफ वन अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट लेवल ले रहे हैं, तो ई सी एफ वन दैट इज इक्वल टू के टी एल एन एन सी डिवाइडेड बाय एन वन, ये दूसरा। अगर हम और भी एक लेवल ले रहे हैं, तो ई सी माइनस ई एफ टू दैट इज इक्वल टू के टी एल एन एन सी डिवाइडेड बाय एन टू, इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं हम इसको। तो ये दो और तीन, अगर ये इक्वेशन दो और तीन को हम कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स ई सी माइनस एफ वन, हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 2 माइनस 3। तो इक्वेशन 2 माइनस 3 करते हैं, तो ई सी माइनस ई एफ वन माइनस ई सी
माइनस ई एफ टू इज इक्वल टू के टी एल एन, और यहाँ पे अगर जो मल्टीप्लीकेशन होगा डिवीजन सब्सट्रैक्शन होगा वो लॉगरिथमिक में डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा, तो एन सी अपॉन एन वन डिवाइडेड बाय एन सी अपॉन एन टू, तो ये कहा जा सकता है के टी एल एन एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, क्योंकि ये एन टू ऊपर चला जाएगा एन वन नीचे चला जाएगा, एन सी कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये आपको जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, ई सी माइनस एफ वन आपको गिवन है 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ रख सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, ये कैलकुलेट करना है आपको ई सी माइनस ई एफ टू दैट इज इक्वल टू के टी, वैल्यू रख सकते हैं हम आपको गिवन है, तो 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट टेम्परेचर इक्विवेलेंट की वैल्यू गिवन है, और इसके बाद एल एन दैट मीन्स लॉग लेना है, लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग लेना है, वो किसका लेना है 0.5, ये एन टू की वैल्यू है आपको गिवन है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16, और एन वन की वैल्यू है 1 इंटू 10 टू द पावर 16, तो ये आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से, तो ये कैलकुलेट करने के बाद 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस ई सी माइनस ई एफ टू इज इक्वल टू 26, और इसको यहाँ पे ये 10 टू द पावर 16 कैंसिल करेंगे तो केवल 0.5 रह जाएगा, तो दैट मीन्स 0.26, सर इसको सिंपल 0.26 या 0.26 की जगह 26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही सब्स्टिट्यूट करें, और एल एन 0.5, जब इसे कैलकुलेट करेंगे देन इट विल प्रोवाइड वैल्यू -18। अब आपको ये कैलकुलेट करना है ई सी माइनस ई एफ टू, तो हम जस्ट इक्वेशन सिंपल इक्वेशन की तरह शिफ्ट कर देंगे, तो ई सी माइनस ई एफ टू दैट इज इक्वल टू 200 प्लस 18, दैट मीन्स 218 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज द डिजायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने देखा यहाँ सेमीकंडक्टर मटेरियल में फर्मी लेवल के रेस्पेक्ट में आपको एक वैल्यू गिवन थी, दूसरे वैल्यू के लिए हमने इसे सॉल्व किया, तो पूरा डेरिवेशन उसके लिए किया, और डेरिवेशन करने के बाद उस पर्टिकुलर फर्मी लेवल पे इस पर्टिकुलर लेवल पे एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज इक्वल टू 218 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू।